हाय गाइस, तो हम लोग गोवा के साइंस लैब में आ चुके हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सन 30 रुपीज लेते हैं। तो हम लोग 3 जन आए हैं, तो हम लोगों ने 90 रुपीज दिया है, पे किया है। और यहाँ पर पार्किंग का बिल्कुल फ्री है। आप स्कूटी बाइक कार जो भी है वो लाएंगे, वो पार्किंग बिल्कुल फ्री है। बट पर हेड जो है वो पर पर्सन के हिसाब से ये लेते हैं। तो ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। अब हम लोग अंदर जाएंगे तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगी किस तरीके से। एक्चुअली इस टाइम बारिश हो रही है, बारिश में बहुत कम लोग आए होंगे शायद, बट फिर भी जाते हैं, देखते हैं क्या है अंदर, कैसा है। ये आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, बाहर किस तरीके से है ये। ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, वो एंट्री है। इसके आगे का अब तुम बनाओ। इस तरीके से है। सो भाई, ये साइंस लैब में केवल पोस्टर लगा रखे हैं, फोटोए हैं तरह तरह की, एक वीडियो चल रही है जिसमें कुछ भी आवाज नहीं है, पूरा सुनसान सन्नाटा, कोई देखने वाला नहीं है। ये दालों के बारे में लिखा हुआ है, कोई भी प्रैक्टिकल चीज नहीं है कि हाँ भाई दालों को प्रैक्टिकली दिखाएं, फोटोए में दिखा रहे हैं। ये सब फोटो में है, देख लो, जिंजर है, कोरिएंडर है, तेज पत्ता है। चलो आ रहे हैं। सो टिकट का पैसा कुल मिलाकर बर्बाद हो गया, 30 रुपये लिया है टिकट का, जो कि पूरा बर्बाद है पर पर्सन, यानी कि 3 बंदे हम लोग हैं, 90 रुपीज टिकट का लग गया है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे मैप लगाया हुआ है इंडिया का, जो कि गूगल मैप में कोई भी देख सकता है। और ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं काम की, लेकिन बच्चों को कितना समझ में आएगा मुझे नहीं पता। 2009-10 में मूंग का प्राइस है क्या है ये, मैं श्योर नहीं हूँ। 230 रुपये नहीं यार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और होलसेल। अच्छा, सपोर्ट प्राइस लिखा हुआ है पर क्विंटल। अच्छा, पर क्विंटल का रेट है ये सबका, पर क्विंटल का रेट है ये, साल ईयर वाइज किस साल में कितना सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देती है दालों के बारे में। चलो ये सिर्फ यहाँ का है और ये देख लो, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं है बताने के लिए कुछ भी चीज को लेकर, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, कोई बंदा नहीं है, केवल सिक्योरिटी गार्ड लोगों को खड़ा किया हुआ है। बनाया अच्छा है, और भी चीजें इधर हैं, मछलियां भी हैं ऐसे, मतलब एक्वेरियम भी रखा है, लेकिन इंस्ट्रक्टर होने चाहिए जो लोगों को बताए, जो बच्चों को बताए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। सो काफी बड़ा बनाया हुआ है, मुझे लग रहा था कि केवल पोस्टर है, पोस्टर के अलावा कुछ रियल में भी चीजें हैं, जैसे आपको एक्वेरियम दिख रहा है, लेकिन लोगों को बताने के लिए नहीं है चीजें। सो गाइज, इनिशियली जो ये साइंस लैब देखने में लग रहा था वो वैसा नहीं है। आप यदि आते हैं फैमिली के साथ, आपके साथ बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अंदर इंस्ट्रक्टर नहीं है बताने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आपके बच्चे। सो आप यदि गोवा आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार आप घूमने के लिए आ सकते हैं, पणजी में है ये,